सुनो, आज दिनांक 11/12/2020 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर के आदेश संख्या 00385/2020 बनाम आरिफ अनवर हाशमी के द्वारा अपराध करके अर्जित की गई संपत्ति जिसका गाटा संख्या 15/15/474 जो कम्बरपुर में स्थित है, इसको 14वां यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त आवलीपुर की कार्रवाई की जा रही है। इस पेट्रोल पंप का भी कुछ अंश कुर किया गया है, गाटा संख्या 1724। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन अपने दलबल के साथ सादुल्ला नगर पहुंचकर विधायक आरिफ अनवर हाशमी की अवैध संपत्तियों को जब्त करने में जुट गया है। उतरोला विधानसभा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्तियों को प्रशासन ने शुक्रवार को जब्त कर लिया। पूर्व विधायक धोखाधड़ी के कई मामलों में आरोपी है जो अभी तक जेल में बंद है। शुक्रवार को प्रशासन ने धोखाधड़ी कर हड़पी गई संपत्तियों को कुर कर लिया है। कुर्की की कार्रवाई उतरोला नगर से लेकर सादुल्ला नगर स्थित विधायक के आवास के आसपास भी किया जा रहा है। ये कार्रवाई डीएम कृष्णा करुणेश के निर्देश पर एसपी हेमंत कुटियाल की टीम कर रही है। तो आइए देखते हैं कमर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं किशनपुर सागर में, जहां पे ये ईंट का भट्टा लगाया हुआ था जिसकी गाटा संख्या नंबर है 663। इसको भी कुर किया गया है यूपी गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत। इसे आज जब्त कर लिया गया है, कुर कर लिया गया है। आज प्रशासन ने अपना पूरी तरह से सुबह दोपहर से लेकर अब शाम तक पूरा शिकंजा कसते ही रहे हैं और इस प्रकरण में कई इनकी संपत्तियां कुर की जा चुकी हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं यहां भट्टे पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इनके पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पे इल्ज़ाम लगा था गबन करके, यानी फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के उसको अपने नाम कर लिया था और उसके बाद उस पर कुछ इन्होंने अपनी अधिकार जताया था। उसी के ऊपर इनके ऊपर एक FIR दर्ज की गई थी। उसके बाद लगातार कई FIR, कई सारी प्रॉपर्टीज़ निकल के आईं कि इन्होंने कहीं कूट रचित तरीकों से जब्त किया हुआ था कागजात, कूट रचित तरीके से बनाने के बाद। और उसके बाद ये मामला बढ़ता गया, इनके ऊपर कई सारे, ये जेल इनको हुई 5 सितंबर को इनको अरेस्ट किया गया और जेल में रहने के बावजूद भी कई सारे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, कई सारे केसेस FIR दर्ज हुई। और उसके बाद प्रशासन ने एक बहुत मजबूत कदम उठाया और पूरा शिकंजा कसते हुए आज इनकी कुर्की का अनाउंसमेंट किया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कई सारी संपत्ति इनकी कुर्क हो चुकी है ऑलरेडी। और अब ये करीब 8 बीघे में ये ईंट का भट्टा है, इसको इस वक्त कुर्क किया गया है जिसकी गाटा संख्या आपको बताई जा चुकी है 663। और आगे भी और कितनी संपत्तियाँ हैं ये एक बना हुआ है सवाल। और कब तक इनकी चलती रहेगी कुर्की, आप बने रहिए इंडिया टाइम्स के साथ। सुनो, आज दिनांक 11/12/2020 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर के आदेश संख्या 00385/2020 बनाम आरिफ अनवर हाशमी के द्वारा अपराध करके अर्जित की गई संपत्ति जिसका गाटा संख्या 15/15/474 जो कम्बरपुर में स्थित है, इसको 14वां यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त आवलीपुर की कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इनके पेट्रोल पंप पे आरिफ अनवर हाशमी के, जिसे हमारा पंप सादुल्ला नगर के नाम से जाना जाता है। इस पेट्रोल पंप का भी कुछ अंश कुर किया गया है, गाटा संख्या 1724, इसे भी कुर कर लिया गया प्रशासन के द्वारा। ये शिकंजा अब कसता ही जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कई ऐसी इसके पहले कई संपत्तियां इनकी कुर्क हो चुकी हैं। आगे अभी कितना कुर्क होगा ये आप जानने के लिए बने रहिए इंडिया टाइम्स के साथ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी प्रशासन यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और ये आरिफ अनवर हाशमी की जो ये प्रॉपर्टी है इसको इस वक्त कुर्की कर दी गई है। इस पे यहाँ पे देख रहे हैं आप, बोर्ड भी लगाया जा रहा है गाजे बाजे के साथ, इसकी कुर्की हुई है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक आदेश संख्या 00385/2020 बनाम आरिफ अनवर हाशमी के द्वारा
अपराध करके अर्जित की गई संपत्ति जिसका गाटा संख्या 698-699-700 है, जो सादुल्ला नगर कस्बे में स्थित है, इसको पूर्व और जब्त किया जाता है और इसके प्रशासक SDM महोदय उतरौला नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कमरपुर में, जो यहाँ पे गाटा संख्या 1722 है उसको कुर्क किया जा रहा है यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत। आप देख रहे हैं लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी जिसपे आरोप लगे हुए थे, जो जब्त की हुई थी, जो किसी न किसी तरह से साजिश के तहत कागज़ों के घोटाले करके इन्होंने जो जब्त की हुई थी ज़मीनें, वो सारी की सारी कुर्क हो रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख रहे हैं पूरी प्रशासन का शिकंजा किस तरह से कसा जा रहा है और ये पूरी फोर्स के साथ सारे SDM और एडिशनल कमिश्नर के संरक्षिता में पूरी तरह से यहाँ पर फोर्स मौजूद है और एक एक प्रॉपर्टी इनकी जब्त की जा रही है, कुर्क की जा रही है। आप बने रहिए इंडिया टाइम्स के साथ। बनाम आरिफ कुमार हाशमी के द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति जिसका गाटा संख्या 1153 है, इसको कुर्क किया जा रहा है और इसके प्रशासक श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट उतरौला महोदय को सुपुर्द की गई है। गाटा नंबर 1453 है, जैसा कि आप देख रहे हैं गाटा नंबर 1453 है, इसको भी क्रोक किया गया है और ये इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पे जहाँ पे यहाँ पे ब्रिक्स बनाया जाता था, ये सीमेंटेड ब्रिक्स बनाई जाती थी यहाँ पे और ये गाटा संख्या 1453 था, आज इसको भी क्रोक किया गया है प्रशासन द्वारा।